कृषि मंत्री जो खुद भी किसान हैं और उन्होंने वेद के बारे में, वेद विज्ञान के बारे में और कृषि और वेद का संबंध बताते हुए अपनी बात को रखा, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, इस कार्यक्रम के प्रणेता जिन्होंने भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर वेद, आध्यात्मिक योग, योग विज्ञान कितनी व्याख्या की दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर, भारतीय संस्कृति के अग्रदूत परम श्रद्धे स्वामी चिदानंद जी महाराज हमारे बीच में ही, स्वामी प्रणवनाथ सरस्वती जी, आर्यवेश जी, आचार्य प्रद्युमन जी, आचार्य प्रेमपाल जी, शास्त्री जी, आरसी अग्रवाल जी, देवेश प्रकाश जी और हमारी संसद में हमारे सहयोगी सांसद जो वेद विज्ञान और जिनको अद्भुत ज्ञान है, जिन्होंने एक पुलिस सेवा में अपनी सेवाएं दी, वहां भी उन्होंने आध्यात्मिक रूप से मानवीय संवेदना के साथ काम किया, अब राजनीति क्षेत्र के अंदर भी, देश के अंदर भी और देश के अलावा विश्व के अलग अलग देशों के अंदर वेद विज्ञान के बारे में समय समय पर अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर सतपाल सिंह जी और यहां पर पधारे इस सम्मेलन में जो वेद के बारे में, विज्ञान के बारे में, आध्यात्मिक चिंतन के बारे में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं, उन सभी अतिथियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि सतपाल जी ने बताया कि किस तरीके से हमारे ऋषियों ने ज्ञान को प्राप्त कर और वेदों की रचना की, वेदों के बारे में अलग अलग तरीकों से जिन्होंने समय समय पर अपनी तप तपस्या के माध्यम से उस समय ऋषियों ने प्राप्त किया। वेदों ने किसी को लिखा नहीं, लेकिन ऋषियों के ज्ञान का अद्भुत संगम वेद आज भारत का नहीं, दुनिया के लिए रिसर्च का एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। और इसीलिए वेद की जितनी व्याख्या की जाए, वेद को विज्ञान के माध्यम से व्याख्या की, तो वैज्ञानिकों ने माना जो कुछ भी विज्ञान में है वो वेद के कारण है। और इसीलिए वेद और विज्ञान के बारे में आज भारत में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर जो रिसर्च हो रहा है, जो नया अनुसंधान हो रहा है, वो वेद में की बातों के आधार पर किस तरीके से ऋषि मुनियों ने उस समय अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को वेद के माध्यम से समाज को दिया और आज वैज्ञानिक उस पर अध्ययन कर रहे हैं और वह सत्यार्थ है, सत्य है, यह आज प्रमाणित हो रहा है। इसलिए वेद
तात्विक भी है, व्यवहारिक भी है और यथार्थ भी है। और इसीलिए हमें कई बार लगता है कि चाहे मानवीय जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे राष्ट्र जीवन हो, जीवन की हर आवश्यकताओं और जिज्ञासाओं को समेटने का काम वेद में है। और इसीलिए आज हम ये कह सकते हैं कि वेद और विज्ञान पर अनुसंधान अनवरत चलता रहेगा और नए नए अनुसंधान में वेदों की अलग अलग व्याख्या होगी। और इसीलिए सही कहा सतपाल जी ने कि वेद की उत्पत्ति कब हुई, कब पूर्ण हुआ, ये न कोई किताब में है न पुस्तक में है। ये बहुत बार डिबेट हुई, बहुत बार चर्चा हुई इसकी, लेकिन वेद तो अनवरत है और वेद और विज्ञान के बारे में जितने लोगों ने जितनी व्याख्या की, अलग अलग तरीके से व्याख्या की, लेकिन व्यक्ति ने माना कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, समाज जीवन में जो कुछ भी है, मनुष्य जीवन में जो कुछ भी है, आत्मा परमात्मा का जो कहीं न कहीं जुड़ाव है, और व्यक्ति के अंदर शरीर हो सकता है लेकिन उसकी आत्मा जीवंत है, ये सब वेद के द्वारा प्रमाणित होती है। और इसीलिए काल परिस्थितियां सब परिवर्तन हुई, हर काल परिस्थितियों के अंदर वेद की अलग अलग व्याख्या की, वेद का ललिचापन होने के कारण हर पीढ़ी को उसने कुछ न कुछ उपहार दिया, दिशा दी, ज्ञान दिया, आध्यात्मिक चिंतन दिया, और हमारे ऋषि मुनियों ने के उस वेद के ज्ञान को महर्षि वेद व्यास ने चार भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, अर्थवेद, जिसकी अलग अलग विद्वानों ने भी यहां पर व्याख्या की है। उसकी कोई व्याख्या सीमित दायरे में कम शब्दों में नहीं हो सकती, लेकिन उसके समय समय पर वेद की अलग अलग व्याख्या सभी लोगों ने की और ये सब अनंत चलती रहेगी। मैं इस मौके पर यहां पर हमारे बीच में बड़े चिंतन बैठे हैं, बड़े वैज्ञानिक भी बैठे हैं, अलग अलग वेद विज्ञान पर अनुसंधान करने वाले मैं विद्यार्थियों को भी देख रहा हूं, और विशेष रूप से चिदानंद स्वामी जी लगातार ये प्रयास भारत में भी करते रहते हैं, भारत के बाहर भी करते रहते हैं। मुझे आशा है कि वेद विज्ञान की इस व्याख्या को, इस रिसर्च को दुनिया को पहुंचाने का काम आप सब लोग करेंगे, और वेद विज्ञान से जो प्राप्त हुआ है उसको उपनिषद में अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। और मेरा तो मानना है कि जीवन जीने की राह और सत्य के मार्ग पर राह करने का काम हम वेद से, उपनिषद से प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर आप सब यहां पधारे, आपका चिंतन, आपकी चर्चा, आपका संवाद यहां पर निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम देगा। और मैं कह सकता हूं कि जब हम प्राचीनतम लोकतंत्र की बात करते हैं और दुनिया में कहते हैं कि भारत प्राचीनतम लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र की जननी है, तो वो जननी भी निकली है तो वेद से निकली है, उपनिषद से निकली है, और वेद उपनिषद के अंदर कई प्रमाण हैं, वर्षों पुराने प्रमाण हैं कि भारत की संस्कृति आध्यात्म में हमेशा लोकतंत्र रहा है, जीवन शैली में लोकतंत्र रहा है, कार्यशैली में लोकतंत्र रहा है, विचारधारा में लोकतंत्र रहा है, और इसीलिए आज भी दुनिया के अंदर लोकतंत्र शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, और भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में
आज दुनिया में भारत की पहचान है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।